गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित मुबारकपुर तालन गांव पहुंची। इस समय मनोज कुमार को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। लगभग 2000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 460 राशन कार्ड धारक हैं। वहीं पता चला कि गांव में पेंशन लाभार्थी नहीं है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 450 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 200 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, बारात घर, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, कन्या इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। इसके साथ ही गांव में सौर ऊर्जा व कूड़ेदान लगवाने की भी मांग की है। ग्राम प्रधान मनोज कुमार मुबारकपुर तालन के, मेरे गांव में बहुत दिक्कत है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, पानी की ज्यादा परेशानी है और बारात घर नहीं है, कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। मैं केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ सोचा जावे हमारे बारे में। नाम कोमल, हम जब से हमारे ग्राम प्रधान मनोज कुमार बने हैं ठीक विकास हुआ है हमारे गांव का और आगे भी विकास कराएं।